हमीरपुर के प्रसिद्ध समाज सेवी शांतनु ने समाज में एक अनोखी मिसाल पेश की है। शांतनु लावारिस शवों के विधिवत अंतिम संस्कार के बाद अस्थियों को इकट्ठा करके हरिद्वार में जाकर कर्मकांड की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। शांतनु लावारिस शवों को कर्मकांड प्रक्रिया का कार्य पिछले 20 सालों से करते आ रहे हैं। ये इस काम के लिए किसी से भी मदद नहीं मांगते हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में नादौन के रैन बसेरा में मिले शव के अस्थियों को आज उन्होंने एकत्रित किया। शांतनु ने कहा कि उसे समाज सेवा का शौक बचपन से ही था। ये शौक उसे आगे चलकर लोगों की मदद करने में सहायता करता है, परंतु बाद में अचानक लावारिस शवों के अंतिम संस्कार के बाद उनकी अस्थियां विसर्जित करने पर कर्मकांड करने की इच्छा प्रबल हुई। उसी के बाद शांतनु ने अपने मन में ये विचार लाया कि हमीरपुर में कहीं भी लावारिस शवों के बारे में पता चलता है तो वे तुरंत लावारिस शवों का अंतिम संस्कार और कर्मकांड करने चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें उन्हें खुशी मिलती है। शांतनु ने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूँ ऐसे ही समाज सेवा करता रहूंगा और लावारिस शवों का अंतिम संस्कार और कर्मकांड की प्रक्रिया करता रहूंगा। शांतनु ने लोगों से आग्रह किया है कि अपने क्षेत्र में कोई भी लावारिस शव पाया जाता है तो अंतिम संस्कार के बाद उन सब की अस्थियों को शांतनु को भेजने की कृपा करें ताकि उन दिवंगत आत्माओं की गति की जा सके और इस पुण्य काम में भागीदार बने अपने ही खर्च पर। आज मैं इस समय हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर जिला की नादौन के ब्यास नदी के किनारे बने शमशान घाट में इस समय हूँ। मैं मुझे किसी से काल एक समाचार मिला कि एक लावारिस जो है वो मिला, रैन शटर में रह रहा था विगत 20-25 साल से। कोई लोग ये भी कह रहे हैं कि वो कोई पेंटर के काम करता था और वो लॉकडाउन के बाद उसका जो रोजी रोटी बंद हो जाता है और वो बड़ी मुश्किल से उसका गुजारा हो रहा था और वो नगर परिषद नादौन की तरफ से उनको रैन बसेरे में ले जाया जाता है। वहाँ पर उनको रहने और खाने का इंतजाम किया जाता है। बाद में अचानक उनका मौत हो जाता है। मुझे तो इसके बारे में पता नहीं था। एक्चुअली आजकल एक तो समाचार पत्र भी हमने कोरोना की चलते हमने लेना बंद कर दिया था। तो मुझे 3-4 दिन हुआ है कुछ मेरे साथ अचानक घटना घट रही थी। मैं सपने में कुछ ऐसा कुछ हो रहा था मेरे साथ कि कोई व्यक्ति आ रहा है, मुझे बता रहे हैं कि मैं फलाना जगह है, लेकिन वो जगह कहाँ है मुझे समझ नहीं आ रहा था। मुझे रात को आता है कोई व्यक्ति और मुझे बोलता है कि मेरा अस्थियाँ वहाँ पड़े हुए हैं, मुझे उठा। 3 दिन हो गया है तो, लेकिन मैं समझ नहीं आ रहा था कि वो स्थान कहाँ है। आज काल मेरा एक मित्र है हमारे हमीरपुर बाजार से, उसने मेरे को अचानक बताया कि एक लावारिस आपको नादौन में है, कि आपको पता है इसके बारे में, लेके आया। तो एकदम मैं मन में खटका कि मैं बोला इसका मतलब वही व्यक्ति होगा। तो आज के साइंस के युग में ऐसा बात तो बेशक कोई लोग महसूस नहीं, ये विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मेरे लिए तो एक चमत्कारी है और ये हमेशा होते है मेरे साथ और मैं इसको विश्वास करता हूँ। और बाकी मैं जब यहाँ आया हमें ये नादौन में और यहाँ के पत्रकार है प्रमुख पंजाब केसरी से जैन जी, उनसे मैं मुलाकात की। मैं बोला सर ऐसा ऐसा कोई लावारिस है? बोला हाँ 3-4 दिन हुआ है यहाँ पर हुआ है और उसको जलाया गया है और उसका अस्थियाँ वहाँ पड़े हुए। तो कहने का मतलब जो है आज की इस विज्ञान के युग में ऐसा चमत्कार जो लोग विश्वास नहीं करेंगे, आज मैं इस अस्थियाँ उस दिवंगत आत्मा की अस्थियाँ मेरे पास है और बड़ी खुशनसीब हूँ मैं कि उनको मैं गंगा जी में प्रवाहित करूँगा। और उन्होंने मुझे सपना में भी और वो साक्षात आ रही है मुझे बताया किस तरीके से मुझे वहाँ से उठाओ, मुझे उद्धार करो। तो मैं इनके लिए मेरी खुशनसीब हूँ। और इस कोरोना काल में इस तरीके से आज मेरे पास 6 अस्थियाँ पहले से इकट्ठा है और एक लेके 7 अस्थियाँ जो है हरिद्वार गंगा जी में विसर्जित करूँगा। इसमें जो है हमने हिमाचल प्रदेश सरकार से 2-3 बार मैंने हमीरपुर से हरिद्वार के लिए बस जो निःशुल्क बस पास होता है हरिद्वार जाने के लिए महीने में एक बार उसके लिए मांग की थी, लेकिन वो आज तक वो कागज़ में ही सीमित रहा और ना ही सरकार की तरफ से मुझे इस तरीके से कोई हेल्प मिला है। देखिए मैं इस जो मिशन लावारिस है इसमें कुछ लोग हैं मेरे साथ मतलब जुड़े हुए हैं जो कि मुझे जो वहाँ तक हो सकता है मुझे हेल्प करते हैं। उसमें से हमारा हीरानगर से है मेरा मित्र है सौरभ मीनाल जी है, हमारा धीमान जी है बलदेव धीमान जी, हमारा करसोक से एक रिटायर्ड प्रिंसिपल जी है। वो ऐसा कुछ लोग महान व्यक्ति जो है वो अपनी इच्छा से इस मिशन लावारिस को मदद करते हैं समय समय पर और उन ऐसे लोगों के सहारा पे मिशन लावारिस चले हुए हैं। गौरतलब है कि शांतनु ने आज तक
1108 लावारिस शवों की अस्थियों को हरिद्वार गंगा में बहा चुके हैं तथा अभी लॉकडाउन की वजह से वे हरिद्वार नहीं जा पा रहे हैं, जिस वजह से अभी 8 लावारिस शवों की अस्थियों को अपने पास रखा हुआ है। अब टोटल संख्या 116 हो गई है।